नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। बिल पेश होने की जानकारी होते ही शहर से ग्रामीण अंचल तक महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक रिपोर्ट। महिला आरक्षण का बिल पेश होने की जानकारी होते ही महिलाओं में एक खुशी की लहर देखने को मिली। उनका मानना है कि इस बिल के पास होने के बाद महिलाएं जहां एक ओर सशक्त होंगी तो वहीं अपनी बात उचित स्थान पर रखकर महिलाओं के हित में काम कर सकेंगी। बरेली भाजपा जिला उपाध्यक्ष उषा शतीजा ने कहा कि महिलाओं के साथ पक्षपात होता रहा है। महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो ये महिलाओं का हित सुरक्षित करेगा। महिलाओं के साथ पक्षपात तो होता है और आज ये सौभाग्य का विषय है कि मोदी जी की सरकार में और उनके नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा है। और अगर ये पास हो जाता है तो वास्तव में महिलाएं जो आज आरक्षण को लेकर पीड़ित हैं या फिर उन्हें महत्व नहीं दिया जाता, सामने आकर भी अच्छी कार्यकर्ता होकर भी उनको महत्व नहीं दिया जाता, पीछे धकेल दिया जाता है। अगर आरक्षण वास्तव में पेश हो जाता है उसका बिल और ये पास भी हो जाता है तो महिलाओं के लिए एक अच्छा रास्ता मिलेगा। महिलाएं, क्योंकि महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। एक और चीज़ भी है, महिला एक अच्छी शासक भी बन सकती है क्योंकि वो अपने घर का बाहर का सब बैलेंस इतना अच्छा बना के चलती है कि वो घर ही नहीं देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती है। धन्यवाद। इसे महिला हित में आप कहाँ देखती हैं? महिलाएं आज जो पढ़ी लिखी हैं और समाज में कार्य कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मंजिल तो मिलेगी। ग्रामीण अंचलों में भी महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्साह देखने को मिला। बरेली के ही गांव पैगा की रहने वाली सिंकी बताती हैं कि इस बिल के पास होने से महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। महिलाएं उचित स्थान पर अपनी बात रखकर आधी आबादी को इसका लाभ दिलवा सकती हैं। जी, इससे महिलाओं को फायदा होगा। अगर महिलाएं चाहेंगी तो इसमें भाग ले सकती हैं और आगे चल के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगी। उनके कार्य भी उनके हित में ही होंगे और महिलाएं चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं इसमें भाग लेके और अपने फायदे भी ज्यादा करवा सकती हैं इसमें। महिला आरक्षण बिल को लेकर बेटियां भी उत्साहित नजर आईं। कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा शिवानी ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं को मजबूती मिलेगी और महिलाएं देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात मजबूती के साथ रख सकेंगी। महिलाएं इससे मजबूत होंगी और अपने देश में सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखने में सक्षम होंगी। फिलहाल महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। इस कानून के पास होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।